सिंध असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन जमातों ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुश्तरका करारदाद पेश करने की कोशिश की। स्पीकर की जानिब से इजाजत न मिलने पर अपोजिशन अरकान ने नशस्तों पर खड़े होकर एहतजाज शुरू कर दिया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ, जिसके बाद शदीद नारेबाजी शुरू हो गई और ऐवान मछली बाजार बन गया। अपोजिशन जमातों ने काला कानून नामंजूर के नारे लगाते हुए एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। हंगामा आराई के दौरान स्पीकर आगा सिराज दुरानी इंतहाई बेबस दिखाई दिए। अपोजिशन ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत बल्दियाती तरमीमी ऑर्डिनेंस पर बहस नहीं चाहती। स्पीकर का रवैया भी अफसोसनाक है, जिसके बाद अपोजिशन अरकान गुंडा गर्दी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए ऐवान से वॉकआउट कर गए। और असेंबली के बाहर धरना दे दिया।